एवरीवन, दिस इज संकेता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज सबसे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बहुत 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 सा थैंक यू देना चाहती हूँ मेरे पहले ब्लॉग को इतना सारा प्यार देने के लिए। एंड एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी क्योंकि मैंने कुछ अलग डिफरेंट ट्राई किया था, लेकिन आप लोग के रिएक्शन देखे लाइक इट्स टोटली वर्थ इट। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा एंड ऐसे ही मैं आपके लोगों के लिए इंटरेस्टिंग वीडियोज एंड ब्लॉग्स लेके आती रहूंगी। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी द मोस्ट पॉपुलर स्नैक जो कि हमारे घर पे लाइक हर दो चार दिन के बीच में वो बन ही जाता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो एंड चलते हैं किचन की तरफ। तो हमारा सबसे टेस्टी स्नैक्स बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो है पोहा। पोहा यानी कि ये जो कि हम पोहा बनाने में यूज करते हैं, पर हम यूज करेंगे पतले वाले क्योंकि मोटे वाले बहुत ज्यादा जब हम उसको फ्राई करेंगे तो वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, तो हम पतले वाले यूज करेंगे। ठीक है, तो आप वो भी यूज कर सकते हो, डिपार्टमेंटल स्टोर से आप ले सकते हो। एंड हमें चाहिए कांदा यानी कि प्याज और कोई भी मिक्सचर जो कि आप खाते हो जो आपको पसंद है। तो हम इसमें डालेंगे पापड़। मेरे पास है प्लेन पापड़ एंड मसाला पापड़, तो आप कोई भी पापड़ डाल सकते हैं जो भी आपको पसंद है। तो मैं दोनों मिक्स करके बनाने वाली हूँ क्योंकि मेरे को प्लेन पसंद है, पापा को मसाला वाला। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे पोहा को चूरा भी कहते हैं। ठीक है, तो मैं चूरा चूरा बोलूंगी तो आप समझ आना क्योंकि ठीक है। तो हम जो आज बनाने वाले हैं वो हम तीन तरीके से बना सकते हैं। पहला कि हम चूरा को अच्छे से फ्राई कर ले, और दूसरा जो कि मैं फॉलो करूंगी आज कि हम इसको स्टोर करके रख लेते हैं हल्का सा रोस्ट करके, और तीसरा जब आप बनाएं तो फिर हल्का सा ऑयल उसमें ही डाल के मतलब हल्का सा शैलो फ्राई करेंगे हम उसको। तो चलिए आप जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इसमें मैंने सॉल्ट ऑयल एंड चिली पाउडर ऐड कर लिया था, और पापड़ भी रेडी है, उसको भी मैंने सेक लिया, और ओनियन को भी हमने अच्छे से चॉप कर लिया था छोटे छोटे। एंड ये है हमारा मिक्सचर। तो आप स्टार्ट करते हैं, हम क्या करेंगे जितने भी सारे इंग्रेडिएंट्स को इसमें एक एक करके ऐड कर देंगे। तो प्याज ऐड करने के बाद इसमें मिक्सचर, आप चाहे तो फ्राइज वगैरह और चिप्स मूंगफली वगैरह भी आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं पापड़ को क्रश कर लूँगी और सबको मिक्स कर लूँगी। तो रेडी है हमारा झटपट चटपटा सा स्नैक। ये हो चुका है रेडी, तो अब मैं जा रही हूँ उसको खाने के लिए जल्दी से क्योंकि मुझे लग रही है भूख। एंड आप लोग आप भी जाके एंड इसको ट्राई कीजिए एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये कैसा लगा, लेकिन आपको ट्राई जरूर करना चाहिए, है इतना टेस्टी दिखने में। तो चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। एक सेकेंड, किधर ऐसे थोड़ी, लाइक और कमेंट कौन करेगा? लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।